Top 5 best smartphone under 25,000. So hey guys, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. दैट इज बेसिकली टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000. गाइज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया में ये प्राइस रेंज काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव बजट रेंज है. जितनी भी मोबाइल कंपनीज है अंडर 25,000 काफी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन्स निकालती हैं, तो उन्हीं में से हम आपके लिए काफी ज्यादा एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद 5 बेहतरीन स्मार्टफोन्स बताने वाले हैं आपको, जो कि 25,000 में आने वाले सबसे टॉप लेवल के स्पेक्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. जैसा कि इनमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, 108 MP तक के हायर MP कैमराज का सपोर्ट मिल जाएगा, और इनमें आपको सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि फ्लैगशिप फोन्स में होती है, और इनमें आपको 5000 mAh तक की बैटरी का सपोर्ट मिलने वाला है विद 80 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग, और भी काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं. तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है संजीव एंड आप देख रहे हैं गुरुजी गैजेट्स मिनाटी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. और बात करें अपने लिस्ट में आने वाले नंबर 5th स्मार्टफोन की, तो ये वन प्लस की तरफ से आता है और ये वन प्लस का एक बजट स्मार्टफोन है. इसका नाम है वन प्लस नॉर्ड CE3 लाइट, और इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. जैसा कि इसमें आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है. और बात करें कैमरास की, तो बैक में इसमें आपको मेन कैमरा 108 MP का मिल जाता है, जो कि एक हायर MP कैमरा है. आप इससे डे एंड नाइट शॉट्स काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कैप्चर कर सकते हैं, और साथ ही इसमें आपको 16 MP की सेल्फी मिल जाती है, जो कि डे एंड नाइट में काफी बढ़िया परफॉर्म करती है. और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G अनकैपेबल प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है. इसका एंटूटू बेंचमार्क इसको लगभग 5 लाख के करीब आता है. आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी. और बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 67 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका स्मार्टफोन 17 मिनट में 50% तक चार्ज होने वाला है. एंड आपको ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, पीछे से ग्लॉसी डिजाइन के साथ आया है. ड्यूल कैमरास मिल जाते हैं जो कि काफी बड़े साइज के पीछे दिए गया है, और इसमें आपको डिस्प्ले में पंच होल देखने को मिल जाता है. ओवरऑल ये डिवाइस काफी बढ़िया लगता है, और साथ ही इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है विद ऑक्सीजन ओएस, और ये वन प्लस की तरफ से आने वाला काफी बढ़िया स्मार्टफोन है. और बात करें इसके लेटेस्ट प्राइसिंग की, इसका हायर वेरिएंट आपको 22,000 का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. और बात करें अपने लिस्ट में आने वाले नंबर 4th स्मार्टफोन की, तो काफी ज्यादा कैपेबल एंड पावरफुल स्मार्टफोन है. ये रेडमी की तरफ से आता है एंड इसका नाम है रेडमी नोट 12 प्रो, और इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. जैसा कि इसमें आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है. और बात करें कैमरास की, तो बैक में इसमें आपको मेन कैमरा 50 MP का मिल जाता है, जो कि 10x डिजिटल जूम सपोर्ट के साथ आता है. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, और साथ ही इसमें आपको 16 MP की सेल्फी मिल जाती है, जो कि डे एंड नाइट में काफी बढ़िया परफॉर्म करती है. और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 का एक 5G अनकैपेबल प्रोसेसर मिल जाता है. इसका एंटूटू बेंचमार्क इसको लगभग 5 लाख प्लस आता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है. आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी. और बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की,
इसमें आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, 67 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका स्मार्टफोन 15 मिनट में 50% तक चार्ज होने वाला है। और बात करें कुछ इसके अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें इसके लेटेस्ट प्राइसिंग की, तो आपको ये अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर 23 से 24 हज़ार का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक 25 हज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा किलर डील है एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें अपनी लिस्ट में आने वाले नंबर 3rd स्मार्टफोन की, तो ये हमारी लिस्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है और ये Realme की तरफ से आता है एंड इसका नाम है Realme GT Neo 3T। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि इसमें आपको 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है विद 120Hz ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और बात करें इसके कैमरास की, तो बैक में इसमें आपको मेन कैमरा 64MP का मिल जाता है एंड आप लोग जानते होंगे Realme का ऑप्टिमाइजेशन अबाउट कैमरा कितना बढ़िया होता है, आप इससे डे एंड नाइट शॉट्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको 16MP की सेल्फी मिल जाती है, जो कि डे एंड नाइट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। और बात करें इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर इसके प्रोसेसर की, इसमें आपको एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 का एक 5G अनकैपेबल प्रोसेसर मिल जाता है, ये एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है, इसका एंटूटु बेंचमार्क स्कोर 7.5 लाख के करीब आता है। आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको जरा सी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, इसमें आपको 5000 की फुली पैक्ड बैटरी मिल जाती है विद 80 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका स्मार्टफोन 25 मिनट्स में 100% तक चार्ज होने वाला है। और साथ ही इसमें आपको बैक में काफ़ी बढ़िया टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है। और बात करें इसके लेटेस्ट प्राइसिंग की, तो आपको ये अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर 25,000 का देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी किलर डील है एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें अपने लिस्ट में आने वाले नंबर 2 स्मार्टफोन की, तो ये अपनी भारतीय कंपनी लावा की तरफ से आता है एंड ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि फ्लैगशिप फोन्स में होता है। इस स्मार्टफोन का नाम है लावा अग्नि 2 और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि इसमें आपको 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाता है विद 120Hz ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और साथ ही इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें कैमरास की, तो बैक में इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 50MP का दिया गया है, जो कि डे एंड नाइट में काफ़ी बढ़िया एंड क्रिस्टल क्लियर फोटोज देता है। और साथ ही इसमें आपको 16MP की सेल्फी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। और बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 एक 5G अनकैपेबल प्रोसेसर मिल जाता है, इसका एंटूटु बेंचमार्क स्कोर 5.5 लाख के करीब आता है, क्योंकि एक काफ़ी बढ़िया स्कोर है। आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको 4700mAh की बैटरी मिल जाती है विद 66 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका स्मार्टफोन 16 मिनट में 50% तक चार्ज होने वाला है। और बात करें कुछ इसके अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 4K एट 30fps तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें इसके लेटेस्ट प्राइसिंग की, तो आपको ये अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर 20,000 का देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा किलर डील है एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें अपने लिस्ट में आने वाले नंबर 1 स्मार्टफोन की, तो Realme की तरफ से आता है। Realme ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है और इसका नाम है Realme Narzo 60 Pro 5G और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़े फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि इसमें आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिल जाता है विद 120Hz ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट,
जिससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और बात करें कैमरास की, तो बैक में इसमें आपको 100 MP का मेन कैमरा मिल जाता है जो कि डे एंड नाइट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। और साथ ही इसमें आपको 16 MP की सेल्फी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का एक 5G प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर लगभग 5 लाख के करीब आता है। आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 67 W ऑफ फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका स्मार्टफोन 17 मिनट में 50% तक चार्ज होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही इसमें आपको हायर वेरिएंट में 12 GB की रैम के साथ 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, मतलब आपको स्टोरेज या फिर रैम में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और बात करें कुछ इसके अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, इससे आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और साथ ही सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें इसके लेटेस्ट प्राइसिंग की, तो आपको ये अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर 23,999 का देखने को मिल जाएगा जो कि एक काफ़ी बढ़िया डील है एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों को आसानी होगी अपना स्मार्टफोन चुनने में। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो आपको किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।